हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। तो आज मैं बात कर रहा हूँ टीसीएस की न्यू पॉलिसी अपडेट की। इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि टीसीएस ने क्या क्या चेंजेस किए हैं। मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। गाइस, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें इस तरह के वीडियोज बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो गाइस, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं टीसीएस ने क्या क्या अपडेट किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, टीसीएस ने जो अपने डिप्लोमा ट्रेनी होते हैं, एएससीज होते हैं या एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स होते हैं, उनका जो लाइक 12 मंथ का लाइक सर्विस होगा, उस पर आपका जो जॉब होगा उसको बेस कर दिया है। यानी आपका जो 1 साल का परफॉर्मेंस होगा, आपका जॉब अब उसी पर टिका हुआ है। तो गाइस, अब क्या होता, पहले एक सिनेरियो, जब आप अप्रेजल के लिए जाते थे तो क्या होता था गाइस, आपका लाइक किस किस प्रोजेक्ट में आपने काम किया है, उस हर प्रोजेक्ट का अप्रेजल जो होता था, प्रोजेक्ट एंड अप्रेजल नहीं लिया जाता था। अब जिस प्रोजेक्ट में करंटली है उसी का पी रेज कीजिए और उसके बाद एनिवर्सरी रेज कर लीजिए। नॉर्मल जो तरीका होता था वो था। अब इन्होंने क्या किया है, हर एम्प्लॉय को जो उसका मान लीजिए प्रोजेक्ट चेंज हुआ है 1 साल के अंदर, या फिर जिनका मैनेजर चेंज हुआ है 1 साल के अंदर, उनको मल्टीपल एनिवर्सरी अप्रेजल रेज करना पड़ेगा, ठीक है, और सिंगल फाइनल एनिवर्सरी अप्रेजल होगा उस रिव्यू पीरियड के लिए, उस 1 साल के लिए। और दूसरी बात रखी गई है गाइस, हर साल के लाइक एनिवर्सरी पीरियड के बाद ट्रेनी को लाइक मान लीजिए आप एएससी हैं, या फिर आप डिप्लोमा ट्रेनी हैं, या फिर आप ईपी हैं, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं, तो आपको हर साल के परफॉर्मेंस के बेस पर रखा जाएगा कि आप कंफर्म हुए या नहीं हुए। यानी कि आप हर साल आपको लाइक अगर आपको 1 या 2 रेटिंग इस तरह से मिल जाता है तो आप पर टर्मिनेशन का खतरा मंडराएगा। यानी पहले वाला जो सीन था कि एक बार आप टीसीएस में घुस गए और अब आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, आपने अगर कोई सिक्योरिटी वायलेशन नहीं किया है, ये वाला जो पहले मिथ था उसको टीसीएस ने बिल्कुल दूर कर दिया है। अब आप अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करते हैं, अगर आपकी रेटिंग 1-2 टाइप की आती है, तो आप पर लाइक गाज गिर सकती है, आपको टीसीएस निकाल सकता है। तो गाइज, उन्होंने क्लियरली इन चीजों को मेंशन किया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ईपी इज कंफर्म एट द एंड ऑफ द प्रोबेशन पीरियड। जनरली यही होता है, जैसे प्रोबेशन पीरियड कंफर्म हुआ, खत्म हुआ, आप कंफर्म हो जाते हैं। लेकिन अब क्या किया है, अगर ईपी को लॉन्ग टर्म रहना है टीसीएस में, तो वो इस चीज पर डिपेंड करेगा कि उनका एनिवर्सरी रिव्यू पीरियड कैसा है, उनकी रेटिंग यानी कैसी है, 1, 2, 3, 4, 5 में से जो उनकी रेटिंग होगी उस पर भी अब ईपी का इंफॉर्मेशन बेस्ड होगा। तो ये गाइस, ये चीज है काफी इंपॉर्टेंट थी। लोग हल्के में लेते हैं चीजों को, डीसीएस ज्वाइन कर लिया तो गवर्नमेंट जॉब हो गया, इस तरह का जो थिंकिंग था, अब टीसीएस ने इसको डिबंक कर दिया है। यानी आपको शुरुआत से ही मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो टीसीएस भी वैसी कंपनी नहीं रही जहां पर आपको इजीली आप अपना टाइम बिता सकते हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग। तो गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आगे क्या कहा है टीसीएस में। तो गाइस, जो आपको एनिवर्सरी रिव्यू का तो मालूम ही होगा क्या होता है, उसको मैं फिर से एक बार बता देता हूं। लाइक जो फर्स्ट, अगर आपका 1 रेटिंग आ गया एनिवर्सरी रिव्यू में, यानी आप हो गए फेल टू मीट एक्सपेक्टेशन, तो इस केस में क्या होगा गाइस, जनरली इस केस में 2 चीजें होती हैं। एक, अगर आपका क्या होगा, आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा तुरंत, अगर आपको टर्मिनेट नहीं किया गया तो आपको पीआईपी में डाला जाएगा, यानी आपको ट्रेनिंग पीरियड दिया जाएगा, आप इतने टाइम तक ट्रेन होइए, अपने आप को थोड़ा सा इनहेंस कीजिए अपने स्किल्स को, फिर से वापस आइए प्रोजेक्ट में, यहाँ पर आपको इस तरह से रखा जाएगा। उसी का थोड़ा सा अच्छा लेवल होगा ये वाला, इसमें थोड़ा और चांस दिया जाएगा, इसमें भी लेकिन आपको पीआईपी में डाला जाएगा। यानी मेट मिनिमम एक्सपेक्टेशन, मैनेजेस टू अचीव द रोल एक्सपेक्टेशन बट डज नॉट एक्सिबिट अ कंसिस्टेंट पैटर्न बाय परफॉर्मेंस, ठीक है गाइस। अब ये तो हो गया सेकेंड रेटिंग। अब थर्ड रेटिंग की बात करते हैं, इसमें होता है मेट ऑल एक्सपेक्टेशन, इज एबल टू मीट ऑल द रोल एक्सपेक्टेशन विद कंसिस्टेंसी, तो ये ठीक ठाक है, मतलब इसमें आपका ठीक ठाक अप्रेजल हो जाएगा। उसके बाद गाइज, ये एक्सीडेड एक्सपेक्टेशन मीट्स ऑल रोल एक्सपेक्टेशन एंड डिस्प्लेज इनिशिएटिव टू परफॉर्म ओवर एंड अबव द डिफाइंड रोल रिक्वायरमेंट, ये भी अच्छा है। इसके बाद तो गाइज, ये फार एक्सीडेड एक्सपेक्टेशन है, यहाँ पर आप रोल मॉडल कहलाएंगे, ये काफी अच्छा है। तो इस तरह से गाइज एनिवर्सरी इसको कर दिया गया है, ये चेंजेस आए हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं
और हम अपने वीडियो के लास्ट पार्ट पे जाते हैं। लास्ट पार्ट में मैं उस चीज के बारे में बात कर रहा हूं जो आपका अप्रेजल होगा, वो किस टाइम पर होगा और किस किस लाइक किस किस टाइम आप ज्वाइन करेंगे तो कब अप्रेजल होगा, इस पर भी टीसीएस ने बात की है। तो अब यहाँ पर लाइक नोट में आप देख सकते हैं, ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द एनिवर्सरी रिव्यू द एसोसिएट विल बिकम एलिजिबल फॉर द अप्रेजल प्रोसेस एज मेंशन्ड ऑन द टेबल। ठीक है, आप हम टेबल पे चलेंगे। द टाइप ऑफ अप्रेजल टू बी इनिशिएटेड इज बेस्ड ऑन द डेट ऑफ एनिवर्सरी। तो गाइज अब हम टेबल पर जाते हैं और देखते हैं कि कब किस महीने में आप ज्वाइन करेंगे ताकि आप अप्रेजल के लिए रेडी हो जाए और किस टाइप के अप्रेजल के लिए रेडी हो। तो गाइज अप्रैल से मई में अगर आप ज्वाइन करेंगे टीसीएस और आपका 1 साल लाइक अप्रैल मई में हो जाएगा तो आप एनुअल अप्रेजल के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है गाइज, अगर आप जून टू जनवरी करेंगे तो प्रोजेक्ट एंड अप्रेजल के लिए होंगे, एनिवर्सरी अप्रेजल के लिए नहीं होंगे आप रेडी। उसके नेक्स्ट ईयर जब आप लाइक नेक्स्ट ईयर अप्रैल में आप एनिवर्सरी के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं फेब्रुअरी टू मार्च ज्वाइनिंग की। जब आप फेब टू मार्च ज्वाइन करेंगे तो आपको उस फाइनेंशियल ईयर में कोई अप्रेजल नहीं दिया जाएगा, आपको नेक्स्ट ईयर का वेट करना पड़ेगा, तब आपको एनुअल अप्रेजल के लिए आपका इनिशिएट किया जाएगा। तो ये था गाइस आज का वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की कि आजकल क्या क्या पॉलिसी चेंज हुई है। अब वो जो मिथ था कि टीसीएस एक गवर्नमेंट कंपनी है और यहाँ पर बहुत आराम से मैं रहूंगा, तो इस चीज को आप लोगों को अब भूल जाना है और वैसे ही मेहनत करना है जैसे कि आप नॉर्मल कंपनी ज्वाइन करते वक्त करते। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इस पर आपको अगर कोई डाउट्स है कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पर भी जा सकते हैं, वहां पर भी मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करता हूँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।